हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। सो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.4, इन विच आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रिलेटर डियर। ओके, आपके पास DEAR, आपको एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जिसमें आपके पास साइड्स गिवन है। DE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज 60 डिग्री एंड एंगल A इज 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जब आपके पास 3 साइड्स की बनो और 2 एंगल्स की बनो। बहुत इजी है इसका कंस्ट्रक्शन। आपके पास 60 डिग्री और 90 डिग्री आई थिंक हर स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना आता है कि हाउ टू ड्रॉ द 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो हमारे पास स्टार्टिंग में हम लोग एक रफ फिगर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करा डियर, DEAR। ओके, एंड डी ई इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ई ए डी ई ए ये आपके पास ए पॉइंट है। डी ई इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ई ए इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ए आर इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एंगल ए इज़ 60 डिग्री एंड एंगल ए इज़ 90 डिग्री। ये हमारे पास है, यानी कि आपके पास एंगल ए से आप इस ए पॉइंट से आपने एंगल 90 डिग्री ड्रॉ करना है और इस ई पॉइंट से एंगल 60 डिग्री आपने ड्रॉ करना है। बट हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हम करेंगे, इस बेस लाइन से। हमारी बेस लाइन क्या है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर डी ई, विच इज़ डी ई। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डी ई ड्रॉ करते हैं, डी ई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। मैंने पहले सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, डी ई 4 सेंटीमीटर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मैंने क्या करना है, इस ई से आपको दिख रहा है ए पॉइंट, ई पर जो आपका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो पहले मैं 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ कंपस। हमने प्रोटेक्टर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जब तक कि हमारे पास कुछ ऐसे एंगल्स ना आए जिनका कंपस के थ्रू आपका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन्हीं एंगल्स को हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 85 डिग्री, 85 डिग्री की आप किसी भी तरीके से ब्रेकिंग कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कंपस के थ्रू। ठीक है ना, तो हमने उसको प्रोटेक्टर से लिया था। आप एंगल ई पे 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम एक आर्क लेते हैं इस तरीके से, किसी भी रेडियस का मैंने एक आर्क ड्रॉ करा है ना, ये हाफ मून जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से एक ही आर्क ड्रॉ कर देंगे, तो ये मेरा 60 डिग्री होता है। ये देखिए, पहले मुझे यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट लगाना होता है जिससे कि मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम ज्वाइन करें ना तो इसी के पास से होके जाए, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कितना डिग्री आया, 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल ड्रॉ हो गया। और ये लाइन सेगमेंट कितना हुआ था, 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मैंने 60 डिग्री एंगल तो ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को क्या करना है, इस ई से आप यहाँ देखिए रफ फिगर में, इस ई से ये आर मैंने क्या लिखा हुआ है, आर, इस ई से आर की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो मैं स्केल में 5 सेंटीमीटर ले लूँगी ऐसे, जी मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर होगी। तो मैं इसको यहाँ पे से इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करना होता है, ये प्रॉपर मैंने मेंशन कर दिया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर और इसका नेम क्या है हमारे पास, आर, ये मेरा आर ड्रॉ। ओके, अब हमने क्या करना है, इस आर पे आपको दिख रहा है ना, ये आपके पास डी ई ए, सॉरी ए पॉइंट है, मैंने बाई मिस्टेक वहाँ पे इसको आर लिख दिया था तो वो मुझे आर ही लगा, इसको ए कर लीजिए। इस ए पॉइंट पे अब मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा हम अपनी कॉपी को इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए मैंने रोटेट कर दिए। अब मुझे ए पर 90 डिग्री बनाना है। अब मेरी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा और मैं रोटेट करती हूँ इस तरीके से, मैंने इस ए पे 90 डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे,
हम एक रेडियस लेंगे, रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे, हाफ मून जिसको बोलते हैं ना, ये पेंसिल बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, 90 डिग्री हमने ड्रॉ करना है। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, इसी आर्क को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से ये आर्क कट कर देते हैं। उसके बाद मैं इस पर एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर डालती हूँ ताकि मेरा लाइन मुझे ड्रॉ करने में को दोनों पॉइंट से ही टच होते हुए जाए, कहीं और से टच ना जाए। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा ए पर, ये देखिए है ना, बिल्कुल स्ट्रेट गई है मेरी लाइन। तो ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री एंगल, इस ए पॉइंट पे मैंने एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने ए से 90 डिग्री भी बना दिया। अब मुझे दिख रहा है कि ए से लेके आर तक की डिस्टेंस 4.5 है, तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं कॉपी को फिर से अपना रोटेट कर रही हूँ, इस ए से इस लाइन पे 4.5 का एक आर्क कट कर दूँगी। ठीक है, तो हम अपने स्केल लेते हैं और स्केल में मेज़रमेंट करते हैं 4.5। ये देखिए कट हो गया ना। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये कट हुआ इसको मैंने नेम दे दिया अकॉर्डिंग टू माय रफ फिगर, डी ई ए हो गया, बचा क्या आपके पास आर, ये मेरा आर हो गया। क्लियर। अब मैं ये लाइन को ज्वाइन कर दूँगी, किसको, डी को मैं आर से ज्वाइन करूँगी, डी मेरा ये था और आर मेरा ये था, ये देखिए मेरा ज्वाइन हो गया। अब हम इसको फिगर को थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपके पास देखो हमने रफ फिगर बनाया था, हमारे पास रफ फिगर, हमें नहीं पता था कि ये क्वाड्रिलेटर कैसा शेप लेने वाला है, हमने तो रफ फिगर डायरेक्टली सिंपल हम ऐसे ही बनाते हैं, बट इसका एक्चुअल में क्या आया शेप, देखो आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, इसकी एक साइड इस तरह से बिल्कुल झुकी हुई है आपके पास बिल्कुल, और ये साइड एक आपकी ऐसे जा रही है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। तो आपको देखो कंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल किस टाइप से बनने वाला है, उसके एंगल्स, उसके लाइन सेगमेंट्स उसको एक अलग सा एक अलग फॉर्म दे देता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इसका पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, नाउ वी हैव टू मूव सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल ट्रू।